आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अदालत में दो पार्टियों के मध्य विवाद को हल करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नाहन के जिला न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बैंकों, IPH, मोटर व्हीकल एक्ट सहित अनेक मामलों की सुनवाई की गई और अधिकांश को मध्यस्थता से निपटाने का कार्य भी किया गया। जिला सिरमौर में आज लोक अदालत में 4000 मामले आए थे, जिनमें से 100 का निपटारा किया जा चुका था, जबकि अन्य मामलों में सुनवाई चली हुई है। जिला सत्र न्यायाधीश RK चौधरी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित लाभ प्रदान करना है और इससे सभी के समय की भी बचत होती है व अदालतों में पेंडिंग मामलों में भी कमी आती है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI News हिमाचल। लोक अदालत से हम दो पार्टीज जो काफी समय से किसी वाद में आ रही हैं, लिटिगेशन है, उनको ये समझाते हैं भाई अगर कहीं बीच का फैसला निकले जिससे उनकी लिटिगेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस केस में जहां लोक अदालत में फैसला होता है उसकी अपील दलील नहीं होती, ये फाइनल फैसला है। जो हम फैसला करते हैं उसकी अपील हाई कोर्ट में, जैसे मेरे पास से कोई फैसला होगा तो उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से उसकी अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक चलता रहता है प्रोसेस। यहाँ प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दोनों पार्टियाँ खुशी खुशी जाएंगी। ना कि लोक अदालत का सबसे बड़ा काम है भाई दोनों पार्टियाँ संतुष्ट होकर कोर्ट से जाएं। आज हमारे पास यहाँ तकरीबन 4000 केस जो केसेस हमारे पास फाइल हैं वो लगे हुए थे पूरे सिरमौर डिवीजन में, अभी तक 100 के करीब हो चुके हैं वो। इसी तरह प्री लिटिगेशन है एक, जिसमें केस दायर नहीं होता है पर पार्टी ये चाहती है कि हमें कोई लीगल डिग्री मिल जाए, तो उसको प्री लिटिगेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये BSNL वाले या बैंक्स वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं जो प्री लिटिगेशन है, उसमें केस नहीं दायर करना पड़ता है पर लोक अदालत में उसको लेते हैं, फिर उसमें से जो अवार्ड पास होता है उसकी उतनी मान्यता है जो जितनी जो नॉर्मल केस किसी ने फाइल करके जो डिग्री लेनी है उतना ही वो अवार्ड एग्जीक्यूटेबल होता है, उसको आप कोर्ट में ले जाके उसके जो संविधान जो जैसा फाइल उसमें डिसीजन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते। Spread over 18 acres of land, a child's dream land with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School, Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all three streams. Montessori Wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. जी सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से।
महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। डिफेंस रोड ममून पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141।